दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किचन कैबिनेट के हार्डवेयर के बारे में, कि जो किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं उसके जो हार्डवेयर जो लगता है तो वो कितने टाइप्स के अलग अलग होते हैं, और सबके जो फीचर्स हैं, सबके डिज़ाइन क्या रहते हैं और देखने में किस तरीके से लगते हैं। तो ये सारी ही चीज़ों को जो हम आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं किचन कैबिनेट के सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में, जिसका नाम है नॉब। अब नॉब बेसिकली इसका मतलब होता है बटन भी होता है इसका मतलब। तो ये देखने में जो है बिल्कुल बटन की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे। और ये जो हार्डवेयर है किचन कैबिनेट का, ये यूजली ट्रेडिशनल किचन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और फिर अगर इसके हम शेप की बात करें तो आपको काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज में आपको मार्केट में मिल जाएगा, जैसे कि आपका राउंड हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और इसके अलावा जो है स्क्वायर हो गया, फिर ओवल हो गया। तो काफ़ी सारी शेप जो है नॉब के अंदर आपको मिल जाएंगी। और इसको बेसिकली क्या है कि आपको दोनों उंगलियों या फिर इस तरीके से ऐसे उसको पकड़ना और ऐसे करके खींचना है। तो इसमें एक मुझे छोटा सा ड्रॉबैक ये लगता है कि जैसे टाइम के साथ साथ अगर आपके कैबिनेट अगर थोड़े से जो है वो स्मूथ से जो है अगर हार्ड हो जाते हैं, जैसे अगर मान लिया कोई छोटा बच्चा उसे खोलता है तो बेसिकली जो आगे की जो उंगलियाँ हैं वहाँ से फोर्स लगाना पड़ता है, तो बच्चों के हाथों में जो इतनी ताकत नहीं होती, तो वो जो है उनको खोलने में थोड़ा सा जो है वो इशू आता है। तो अगर उसकी आप किचन की जो कैबिनेट है उसकी टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस करवाते रहते हैं और ट्रेडिशनल किचन आप बना रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे को छोटा सा जो ड्रॉबैक लगता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं किचन कैबिनेट के सेकंड टाइप के हार्डवेयर के बारे में, जिसका नाम है पुल्स। अब पुल्स का जैसे कि आपको मतलब पता है कि अपनी तरफ खींचना, तो पुल्स का मतलब होता है आप उसे में नॉर्मली आप उसे ग्रिप करके और आराम से खींचेंगे। तो इसका जो कंफर्टेबल जो जोन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है अगर हम कंपेयर करें नॉब से, तो इसको इजीली आप जो है पुल कर सकते हैं। तो क्योंकि नॉब में मैंने आपको बताया था कि आगे की उंगलियों का फोर्स लगता है, तो थोड़े टाइम बाद अगर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है आपका कैबिनेट तो नॉब में खींचने में पंगा पड़ता है, लेकिन पुल में जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता। और पुल्स जो है इसको जो अलग अलग चार कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, उन चारों ही जो कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पुल में सबसे पहला टाइप है बार। अब जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं तो बार जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट और स्लीक और क्लीन लुक आपको जो देती है, और इसको बेसिकली आराम से आप खींच सकते हैं। और मॉडर्न किचन में जो है वो ज़्यादातर जो है वो बार्स का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पुल्स के सेकंड टाइप के बारे में, तो इसका नाम है ड्रॉप हैंडल। अब जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हो, इसका नाम से भी आप देख रहे हैं, इसका नाम है ड्रॉप हैंडल। तो मतलब इसका जो हैंडल है वो ड्रॉप हुआ हुआ होता है, तो नीचे लटका हुआ टाइप का जो इसका हैंडल होता है। तो इसका भी जो यूज़ है आप पुल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपके पास जो एक ऑप्शन है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पुल्स के थर्ड टाइप के बारे में, जिसका नाम है रिंग पुल्स। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है, रिंग जैसे कि एक अंगूठी होती है जो कि हम सगाई में भी पहनाते हैं, तो उसी टाइप से गोल जो है रिंग होता है और उसमें आप उंगली डाल करके उसको इस तरीके से खींचते हैं। तो ये भी जो है जब लगता है तो काफ़ी एलिगेंट लुक देता है, ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिशनल किचन्स में ही जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इस टाइप के पुल्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप जब उसको परचेज करने जाते हैं तो उसमें आप फिंगर को डाल करके जो है वो देख लीजिए। अगर जैसे अगर बाई चांस आपका जो कैबिनेट है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो उसे आप जब खींचते हैं तो आपकी उंगलियों पे जो है वो पेन ना दे, उस पर निशान ना पड़े, तो ये जो सारी चीज़ें इसको भी आप कंसिडर कर लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ टाइप के पुल के बारे में, जिसका नाम है कप पुल्स। अब जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टेक्स्चर में जो है आपको मिल जाएगा मार्केट में, और शेप में भी जो है काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और इसको भी जो है यूज़ करना काफ़ी इजी रहता है, और दिखने में आप देख रहे हैं कि जैसे सर्कल होता है, जैसे डोम होता है, तो हाफ डोम जो है इसका कुछ इस टाइप से जो है डिज़ाइन इसका होता है। और दोस्तों, कप पुल्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें इसको जो आप ट्रेडिशनल किचन्स में भी जो इसका यूज़ कर सकते हैं और कंटेम्प्रेरी जो किचन होती है उसके अंदर भी जो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कैबिनेट के जो हार्डवेयर थे उनके मैंने आपको अलग अलग बता दिए टाइप जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है जब आप किचन कैबिनेट के हार्डवेयर को खरीदने जाते हैं, कि आपकी जो कैबिनेट है किचन की वो कितनी बड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग जो इसका साइज आपको चूज करना है। क्योंकि अगर ये इसका जो रेशियो और प्रपोर्शन है वो अगर सही नहीं होगा तो ये आपकी आप अगर अच्छा हार्डवेयर भी जो अगर आप पसंद करके लाते हैं और किचन की कैबिनेट पर लगाते हैं तो लगने के बाद भी आपको लगेगा यार अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान रख लेनी है कि उसका जो प्रपोर्शन जो है वो
बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके किचन का जो कैबिनेट है उसके साइज के अकॉर्डिंग ही जो है आप उसको परचेज करके लाइए। एग्जाम्पल जैसे कि हैंडल होते हैं तो वो भी 5 इंची से लेकर के 12 इंची और भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं, तो वो साइजेस जो है आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है और अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप अलग अलग जो आपको लगता है 2-3 साइज आप सैंपल के तौर पर ले आइए और उसको आप लगा के देख लीजिए कि हाँ यहाँ पर ये वाला साइज सही लग रहा है, यहाँ पर ये वाला साइज सही लग रहा है। तो ये भी जो एक सही तरीका है, बजाय कि आप पसंद करके वहाँ से और एग्जैक्टली आपने उसका ऑर्डर दे दिया और मंगवा लिया, तो सबसे पहले आपको जो है साइज भी जो है देखना है कि आपका कौन सा साइज जो है वो आपकी कैबिनेट के ऊपर जो है वो सूट कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।